तो गाइस सिंपली आपको प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद गाइस आपको सर्च करना है मूवीज, वो सर्च करने के बाद गाइस आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल पहले से है तो गाइस मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। गाइस ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ देखिएगा इसका इंटरफेस। ये एक्चुअली में ऐप ऐसा है कि आप अभी कभी म्यूज़िक सुनते हैं बैकग्राउंड पे, तो आपके ये बैक की, होम की, ये सब की पे आपका वो आ जाएगा विजुलाइज़र, वो अपने आप मूव होगा। सिंपली मैं गाइस आपको दिखाता हूँ एक करके, तो गाइस मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस इस पर थोड़ा पैसे वाला भी है और फ्री वाला भी, तो फ्री वाले में दिखाता हूँ आपको। तो फ्री वाले पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो गाइस मैंने इसको अप्लाई कर रहा हूँ, गाइस मैं पोजीशन कर लेता हूँ सेट। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से पोजीशन भी सेट कर सकते हो और सब कुछ चेंज भी कर सकते हो। ये होने के बाद गाइस अप्लाई कर लिया मैंने, तो गाइस मैं सिंपली तो म्यूज़िक पे प्ले करता हूँ मैं। तो गाइस मैं कोई भी गाना एक प्ले करता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो इधर आ गया है। आप देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, ये कूल लग रहा है। आप इसको कहीं भी म्यूज़िक, कहीं भी म्यूज़िक पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। उस तरफ आपका ऐसा विजुलाइजर दिखने लगेगा, तो आप देख सकते हो गाइस ऐसा कूल इफेक्ट लग रहा है। गाइस इसको आप ना यूट्यूब और बहुत सारे ऐप पे भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब खोल के, तो मैं यूट्यूब खोलता हूँ, उसमें मैं सर्च करता हूँ म्यूज़िक कुछ भी। गाइस मैंने सर्च किया म्यूज़िक को, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो गाइस आप देखना नीचे भी उसका ऑप्शन आ जाएगा, वो हिलते रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हिल रहा है। तो गाइस ये हर ऐप पे काम करता है, इधर भी म्यूज़िक है, वीडियो म्यूज़िक है, वो आपको ही मिल जाएगा काम करते हुए। और गाइस इससे आप अपने म्यूज़िक सुनने को, विजुलाइजर को दिखा सकते हो। और गाइस इस ऐप में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको विजुलाइजर के। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने अपने म्यूज़िक सुनने में, और आप उसको बहुत अच्छे से लगा सकते हो। आप आपके हाथ में सब कुछ पोजीशन में सेट कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आप ऐसे कर सकते हो सब कुछ सेट।